उपेंद्र कॉमेडी। अरे बुधन, चाचा वहाँ सुतल है, कैसे खोलें? अरे बाऊजी अभी सुतल है, तुम जाके चुपके से खोल लो अभी। मंगरू महतो से होशियारी, मंगरू महतो से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अभी बताते हैं बेटा। पर बाऊ जी तुम चुप रहो बेहुदा, तुम पहले एक रस्सी लेके आओ, ये लोफरवा शंकरवा के पहले हम बताते हैं, जाओ पहले तुम। मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, बुधना हमको बोला कि दिल्ली का गाड़ी बैठा दो तो हम क्या करते हैं? अच्छा बेटा, बुधना तोरा कहेगा कुआं में डूबने तो तुम डूब जाएगा? नहीं चाचा, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करेंगे हम। गलती हो गया? लो लो लो, दबा दो मेरा गला और बोलना कि गलती हो गया। तुमको हम न जानते हैं रे, दिन भर तुम लोफर गिरी कर ले घूरता है और तुम इसको भी सिखा दिया। बाबूजी छोड़ दीजिए शंकरवा को, इसमें इसका कोई गलती नहीं। तुम चुप रहो नलायक, लफुअन के साथ दोस्ती करेगा तो यही सब ने सीखेगा रे, अपना बाप को धोखा देके और घर से भागेगा तो हम क्या करें? तीन जगह से नौकरी के लिए कॉल लेटर आया और आप जाने है नहीं दे रहे, तो हम नौकरी छोड़ के घर में कैसे रहें? अरे तुम नौकरी की चिंता काहे करता है रे बेटा, 50,000 फिर घुस दे देंगे, नौकरी फिर मिल जाएगा, नौकरी क्या है? पर बाबूजी जब तक तोरा ब्याह नहीं होगा तुम कहीं नहीं जाएगा। तो कीजिए ना मेरे शादी, कब मना किए हम, लेकिन आप जितना दहेज मांगते हैं उतना कोई दे पाएगा? कहनो नहीं होगा मेरा शादी। फ्री में तो सब डोका पसार ले रे, तो फ्री में कर ले, इसीलिए तोरा पढ़ाई लिखाई में हम इतना खर्चा किए हैं। एक बेटा के पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाने में क्या लगता है, क्या खर्चा है, से कोई क्या जानेगा रे? चाचा चाचा हमको छोड़ दीजिए चाचा, हम आपको हाथ जोड़ते हैं चाचा, हम आपको पैर पड़ते हैं चाचा, हमको छोड़ दीजिए चाचा। तोरा तोरा बाप से हम पूछेंगे रे, तोरा यह शिक्षा दिया रे? नहीं चाचा, हमको जाने दीजिए चाचा, हमारे बाबू जी जूतवस मारेंगे चाचा, हमको छोड़ दीजिए चाचा, हमको जाने दीजिए चाचा। बाबू जी अब आप जैसने बोलिएगा हम वैसने करेंगे, अब हम शादी के बाद कहीं जाएंगे, लेकिन छोड़ दीजिए शंकरवा को। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। भागो और इन्हें नजर नहीं आना तुम। लो तुम अंदर जाओ। हेलो हेलो, हाँ हम मंगरू महतो बोल रहे हैं, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए जजमान, कहिए कैसे याद किए? अब अभी तुरंत हमरा घर आइए तो। अभी तो पूजा करा रहे हैं, पूजा छोड़ के कैसे आवे, कोनो जरूरी काम है का जजमान? हाँ हाँ हमरा श्राद्ध कराना है, आप आइएगा कि नहीं से कहिए। अरे आप काहे अलबल बोल रहे हैं जजमान, हम आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है वन एक्सपेक्ट। वन एक्सपेक्ट में आपको ढेर सारे गेम्स एंड एक्सपोर्ट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप लोग बेटिंग करके कमा सकते हैं खूब सारे पैसे। इसमें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल ऑफर है,
अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं और 10,000 तक का डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा 130% तक का बोनस। इसमें कभी कभार आपको रिस्क फ्री गेम्स का भी ऑफर मिलता है, मतलब कि अगर आप 1500 लगाए हैं, बैट किए हैं और हार गए हैं तो फिर से आपको 1500 रुपया रिफंड हो जाएगा। इस कंपनी के बड़े बड़े कंपनी जैसे PSG फुटबॉल क्लब के साथ स्पॉन्सरशिप है और FC बार्सिलोना के साथ पार्टनरशिप भी है। तो दोस्तों मेरा प्रोमो कोड यूज करें, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड और रजिस्टर करवाएं इस बैंक को और कमाएं ढेर सारे रुपए। घरे हैं जजमान। प्रणाम बाबा। अरे खुश रहिए जजमान। क्या खुश रहे बाबा, आइए आइए बैठिए। क्या आफत आ गया जजमान, जे एकदम में अकवका दिए। पांचे संख में पूजा खत्म करके दौड़ा लाना पड़ा। क्या कहें पंडित जी, हमरा लड़का हाथ से निकल गया। आय ये सब कैसे हो गया जजमान, हे भगवान आप इतना बड़ा नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं, हमरा बुदना को लौटा दीजिए भगवान। क्या हुआ बाबा? भूत भूत भूत। अरे कहाँ भूत है पंडित जी? बुधना के भूत, बुधना के भूत। अरे ये तो बुधना है, पगला गए हैं का? बुधना है। बुधना जिंदा हो गया जजमान, बुधना जिंदा हो गया जजमान, बुधना जिंदा हो गया। अरे बाबा हम मरे कब से, जो जिंदा होंगे। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। आप बोले ने जजमान कि बुधना निकल गया तो हमरा लगा कि बुधना दुनिया से निकल गया, हमरे समझे में मिस्टेक हो गया। अरे पंडित जी हम बोले कि बुधना हमरा हाथ से निकल गया। हमरे से मिस्टेक हो गया। काहे रे बुधना, तू बाबूजी के हाथ से काहे निकल गया है रे? हाँ हाँ पूछिए पूछिए इसको पंडित जी। ये जे लॉकडाउन में आया है से ही गांव के लोफर लड़कन साथे दोस्ती करके बिगड़ गया है, इसको ताला मार के हम कब तक घर में रखें? आए इसका खाली हम एक बार शादी करा पाए ने तो इसको हम रहने नहीं देंगे यहाँ, इसको हम भेज देंगे बाहरे। हाँ हाँ इसका शादी कराइए दीजिए जल्दी से, ये बिगड़ गया है। कहियो नहीं होगा मेरा शादी जब तक ये दहेज मांगते रहेंगे। सुनिए सुनिए पंडित जी, फ्री में कर लेने, इसीलिए हम इतना खर्चा किए हैं। अरे हमरा रहते फ्री में शादी काहे करिएगा जजमान। हाँ हाँ इन इंजीनियर के बाप है, दहेज लेंगे हुमच के। हाँ हाँ जजमान दहेज दिलाएंगे हुमच के। ठाक दिलाइएगा, 2 साल से खाली पैसा ठाक रहे हैं, कहीं सेटिंग हुआ आपसे? कराएंगे कराएंगे जजमान, मकिर झारखंड में इसका विवाह संभव नहीं है। हाय काहे पंडित जी? अरे काहे कि पूरा झारखंड में हल्ला हो गया है कि मंगरू महतो बहुत दहेज मांगता है और उसका बेटा ढेरे लड़की छाटता है। यही सब होगा अब, जौन पार्टी के घर जाते हैं कोई ना कोई भड़काइए देता है, कोई सटवे नहीं करता है। तो अब क्या होगा पंडित जी? अरे आप टेंशन काहे लेते हैं जजमान, ब्याह होगा। अरे हमरो नाम छेदी पाड़े है। अरे बुधना के ब्याह बिहार में कराएंगे जजमान, बिहारों में हमारा ढेरे जजमान हथिन, आप कहिया चलिएगा से बोलिए। तो आजे चलिए, शुभ काम में देरी का है। तो चलिए फिर। नहीं 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 आज नहीं, कल चलेंगे, काहे कि गाड़ी उड़ी भी तो सेट करना होगा, जरा ताम झाम भी तो जरूरी है। हाँ हाँ वो सब जरूरी है जजमान, बुधना के भी ले ले चलेंगे, हम देखा देखी और फाइनल सब एक बार कर लेंगे, बार बार हम खर्चा नहीं करेंगे। आप चलिए न जजमान, हम चट मंगनी और फट ब्याह करा देंगे, मकिर दक्षिणमा डबल लेंगे जजमान, मोटा पार्टी है और तोरो से लेंगे बेटा बुधन। सब देंगे पंडित जी, आप खाली चलिए ने। अरे नाश्ता पानी दो रे बेटा पंडित जी को। Thank you.
आइए आइए, आप ही लोग का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए बैठिए। तुम यहाँ बैठो बेटा, बैठिए पंडित जी। आओ बेटी, दो नाश्ता दो। रुको रुको बेटी, देखिए मोहन बाबू, हम पहले बोल दिए हैं कि टेबल पर पहले हम लोग दो आदमी फाइनल करेंगे, तब हम लड़का दिखाएंगे और लड़की देखेंगे, तब हम नाश्ता पानी करेंगे। क्या पंडित जी बोले थे कि नहीं? ये सब तो पहले समझा दिए थे मोहन बाबू को। अरे कुटुम जी, बातचीत तो होता रहेगा, पहले नाश्ता पानी तो कर लीजिए। नहीं नहीं, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक हम पानी भी नहीं पियेंगे आपके घर के। आप ले जाइए ये नाश्ता उस्ता। अच्छा अच्छा, अभी नाश्ता ले जाओ बेटी। अरे बैठो तुम सीधा से। ठीक है आइए बैठिए। अब बोलिए कुटुम जी। हम अब क्या बोलें? हम पहले पंडित जी को बोल दिए हैं, आपको इंजीनियर लड़का दे रहे हैं, हमको 10 नगद और 4 गो चक्का दे दीजिए, और आपको जचे तो लड़का को कुछ सिंगार दे दीजिए। सो तो ठीक है, लेकिन कुछ कम कीजिए, आप ही का बात थोड़ी ना रहेगा क्या पंडित जी? अरे हम पंडित जी क्या बोलेंगे, हम न इससे कुछ बेसी करेंगे न कुछ कम करेंगे। अच्छा मोहन, मोहन ही हो? अरे हमरे बिना सब कुछ नहीं कर लेनी मोहन। नहीं नहीं बटोरन भैया, आपके बिना कैसे कर लेंगे, आइए बैठिए। हाँ हाँ, ये कौन है पंडित जी? अरे जजमान, ये पूरा गांव के बटोरन चचा हथिन। हम पहले ने बोल दिए थे आपको कि टेबल पर खाली दो आदमी बात करेंगे, तो ये बाहरी आदमी कहाँ से आ गया? अरे हमें घरे के आदमी ही कुटुम जी, ये पूरा जिला में हमारा बिना कोई बर्तुहार सेट नहीं होता है, तो हमारा घर में कैसे सेट हो जाएगा? अच्छा ठीक है, तो लड़कावा देखा ले मोहन। अरे ये कुटुम जी के कहना है कि पहले हम लेन देन फाइनल करेंगे, तब हम लड़का दिखाएंगे। हाँ हाँ, पहले आप फाइनल कीजिए तो हम लड़का दिखाएंगे। अरे ये झारखंड न है कुटुम जी, ये बिहार है, और सभी जगह के अपन अपन रीति रिवाज हो, यहाँ पहले नाश्ता पानी होता है, ओकर बाद लड़का लड़की देखा देखी, ओकर बाद बात फाइनल होता है। ये तो झारखंडो में रिवाज है। हम पहले ने बोले थे कि हम पहले फाइनल करेंगे। इसका मतलब आप बाप दादा के रीति रिवाज नहीं मानते? मानते कैसे नहीं है? हाँ तो फिर पहले नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, हम फाइनल के बाद नाश्ता करेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपका एक बात माने, नाश्ता बाद में करिएगा, लेकिन एक बात हमरा भी मानिए, पहले लड़का लड़की देखा देखी होगा। अच्छा ठीक है, देख लीजिए लड़का। देखल ही मोहन बटोरन के दिमाग ले लिए ने लाइन पर। नहीं नहीं, तू ही तो प्रभो भैया। इधर आ बेटा, देखिए लड़का हमारा इंजीनियर है, 3 जगह से नौकरी का चिट्ठी आया है, देख लीजिए ठीक से। हाथा गोड़ा सीधा हो न बेटा, तनी 5 कदम आगे और 5 कदम पीछे चल के दिखा ही तो। अरे 5 कदम ऐसे सीधा और ऐसे उल्टा चल के दिखा दो तो बेटा, ये सब लड़का ना नचनी देख रहा है। हाँ चलो चलो बेटा। और मुंह तो नहीं खोलो तो बेटा, जरा सा देखे तो। अरे रे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये लड़का देख रहे हैं कि आप बल के दांत गिन रहे हैं? ये क्या तरीका है लड़का देखने का? अरे कुटुम जी, हम ये देख रहे हैं कि लड़का पान गुटखा खाने जर्दा तो नहीं खाता है। देख लिए ने? हाँ हाँ देख लिए, दांत उत साफ है, गुटखा उठखा नहीं खाता है। ये रीति नीति ठीक ना है पंडित जी, ये आप हमरा फंसा दिए।
अरे वो सा कह रहे हैं कुटुम जी, लड़की दे रहे हैं तो ठोक बजा के देखबे न करेंगे लड़का को, आखिर जिंदगी भर का सौदा है। हाँ हाँ ढोलक है हमरा बेटा ने, आज आप देखिए लीजिए बढ़िया से। हाँ हाँ देख लिया देख लिया, हारमोनिया के जरा बुलाओ मोहन। ठीक है भैया। हाँ जो हाँ हाँ तो यहाँ आओ, मैं यहाँ मुनिया बेटे। हाँ और तो ये नहीं आबा, ये नहीं आबा बेटा, तो ये जा पड़ी। हाँ ये जा पड़ी ठीक है। हाँ तो रहो। लड़का लड़की से एक मुट्ठी ऊंचे होना चाहिए के कुटुम जी, एकदम सीता राम के जोड़ी के मोहन। हाँ भैया देख लिए ने, अब फाइनल कीजिए। हाँ हाँ कर लीजिए फाइनल, आइए बैठिए बैठिए। तो बोलिए कितना क्या दे रहे हैं? अरे लक्ष्मी ऐसा बेटी दे रहे हैं, आई दोनों का घर बसाने का जरूरी सामान दे देंगे और लड़का लड़की का सिंगार दे देंगे। अरे हमरा 10 नगद और 4 गो चक्का के देगा? नगद दहेज? देखिए कुटुम जी, हमरा यहाँ दुल्हन ही दहेज है, यहाँ दहेज लेबे देबे की रिवाज नहीं है। आए? दहेज नहीं दीजिएगा? हम फ्री में शादी करने के लिए बेटा के इतना पढ़ाए लिखाए और इंजीनियर बनाए। अच्छा तो सब दहेज में वसूलिएगा? अरे बेटा को पढ़ाए लिखाए तो लक्ष्मी जैसा बहू भी तो पा रहे हैं। देखिए बटोरन जी, आप दहेज हमरा नहीं अपना बेटी दामाद के दे रहे हैं, ये सब आखिर इसी सब के न होगा, हमरा क्या है? अरे देखिए दहेज का लोभ छोड़िए और पतोहू को लक्ष्मी मानिए और बेटा पतोह का मुंह देख करके खुश रहिए। आप हमरा उल्टा पुल्टा के मत समझाइए, समझे ने? हम पहले बता दिए थे नहीं होगा ये बियाह, चलो रे बेटा। अरे 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 कुटुम जी, अरे अरे रुको। देखिए कुटुम जी, हमरे यहाँ धड़ पकड़ बियाह भी होता है। ए मोहन लाओ तो रस्सी हो, बांधो ये लड़का बाके और बुलाओ पुलिस के, देखिए कैसे मैं बियाह करती कुटुम। हाँ लाओ। ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? ये सब दादागिरी से रिश्ता जोड़ाता है, ये सब गलत है। और आप लोग दहेज के नाम पर लूट मचाई है जो गलत नहीं है, आप लोग जेल जाइएगा ना तो पता चलेगा। नहीं चाचा जी छोड़ दीजिए इनको। जिस घर में प्रेम और आदर भाव से हमें स्वीकारा नहीं जाएगा, मैं उस घर में कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे ये शादी नहीं करनी है। वाह बेटी वाह, देखे कुटुम जी ये है संस्कार, ऐसा संस्कारी लक्ष्मी को आप ठुकरा रहे हैं, कैसन बदनसीब कुटुम है आप। हम करेंगे ये शादी वो भी बिना दहेज। हलाला बेटबो राजी हो गया, अब आपका कहते हैं कुटुम जी? जब बेटा पुतो है राजी तो क्या करेगा बाबूजी, हम राजी हैं। आप मन मत छोटा कीजिए कुटुम जी, हम लड़का लड़की के सिंगार के साथ साथ जो भी सामर्थ है हम सब देंगे। आपको जो उचित लगे सो कीजिए। चला सबके राजी खुशी से ये रिश्ता ठीक हो गया, हमरा दक्षिणा बच गया, तो सब मानते हैं ना कि दुल्हन ही दहेज है।